go again. भैया एक प्लेट ना वेज मोमोज की लगा दो और चटनी जो है तीखी दे दो. शुक्रिया भैया. जी सर. होए 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 ओए होए तुम जो आए जिंदगी में कहा. क्या बात है. कल्ले कल्ले मोमोज खा रहे हो. कभी हमें पूछ लिया करो. ले भाई लास्ट पीस बड़ा तू. मैं नहीं खाता. मैं तो सिर्फ अपनी फेवरेट जगहों से मोमोज खाता हूँ. फेवरेट जगह ये भी कोई जगह होती है भाई साहब. मेरे तो देसी मोमोज मिल जाए तीखे वाली चटनी के साथ आनंद ही आ जाता है. अरे यार मुझे लग रहा है तुम ना जिंदगी के बहुत सारे सुख गवा रहे हो इसी चक्कर में. आज मैं तुम्हें खिलाता हूँ चंडीगढ़ के ना बेस्ट मोमोज. ओए होए मजा आ जाएगा जिंदगी. और तुम अभी स्टीम्ड भी अटके हो. मोमोज की ऐसी ऐसी वैरायटी आ गई ना मार्केट में. ये स्टीम सब भूल जाओगे तुम तो. मोमो बुरा मत मानियो. तुझे छोड़ के जा रहा हूँ भाई के साथ बढ़िया से मोमोज खाने. आजू आजू आज की इस वीडियो में हमें आने वाला बहुत ज्यादा मजा क्योंकि आज हम खाने जा रहे हैं अपने फेवरेट मोमोज. और मोमोज इतनी ज्यादा वैरायटी इंडिया में मिलती है ना कि हमारी हर मोमोज की वैरायटी की जगह अलग अलग है खाने के लिए. एग्जैक्टली. अगर हमारा तंदूरी खाने का मन है तो उसके लिए अलग दुकान है. फ्राइड खाने का मन है तो उसके लिए अलग दुकान है. स्टीम खाने का मन है उसके लिए अलग. आज हम आपको सारी दुकानें दिखाएंगे जो हमारी फेवरेट. आपको बस एक छोटा सा काम है. वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. ज्यादा टाइम वेस्ट करते करते वीडियो शुरू. तो जी बढ़िया से मोमोज खाने से पहले पेश करते हैं एक बहुत ज्यादा बढ़िया सी शायरी. नहीं है पॉसिबल कोई भी काम विदाउट अ टीम. वाह वाह. नहीं है पॉसिबल कोई भी काम विदाउट अ टीम. सबसे पहले मोमोज खाएंगे हम जो होंगे स्टीम. वाह. वैसे ना स्टीम मोमोज से ही सबने मोमोज खाने की शुरुआत करी थी. पर इंडिया में स्टीम मोमोज से लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही थी. भाई इतनी मॉडिफिकेशन कर दी हुई है ना मोमोज में. इतने ज्यादा टाइप के मोमोज है. आज आपको सारे टाइप के मोमोज दिखाने हैं अपने. पर सबसे पहले बेसिक वाले स्टीम वाले. और स्टीम वाले हम खाने आ गए राजू चाइनीज फास्ट फूड पे. और मेरे ख्याल से ना ऐसी फास्ट फूड की दुकान हर शहर में एक तो पक्की है. एक शहर और बोलो. मुक्ति को पसंद है खाने ड्राई फ्रूट में काजू. आ गए हम एट राजू. वाओ मूड खराब कर दिया लोगों का तुमने. चलो मोमोज खा के ठीक करना पड़ेगा. भैया एक प्लेट स्टीम मोमोज कर दो. वेज वेज. राजू को चाइनीज बोलनी आती हो ना आती हो बिल्कुल मोमोज बनाने बहुत अच्छे से आते हैं. भाई साहब ने बड़ा बड़ा मोमो का साइज देखो. ये जो मोमो है ना कोई ज्यादा सस्ता मोमो नहीं है. 10 रुपए का एक पीस है. ये कॉस्ट अच्छी है इसकी. ऐसा नहीं कि हम सस्ते में लेंगे इसको. और हम इसे हल्के में भी नहीं लेंगे क्योंकि मोमो भारी है. एक बार इसको खा के देखते हैं. मोमो के साथ जो चटनी है ना वो बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि ये है जय और वीरू वाली जोड़ी. बहुत ज्यादा स्वाद है. ये जो चटनी बनाते हैं ना गजब की बनाते हैं जिसकी वजह से मोमो जो है एंड बार लगता है हमें. स्टीम्ड में तो ये एक नंबर का है. ये भरवा मोमो है. भरवा करेला होता है ना वैसे भरवा मोमो है. ये देखो सब्जियों के अंदर भंडार डाला हुआ है और वो भी पूरा तड़का मार के. ओए होए होए. तो भाई साहब यहाँ हम यूजुअली आते रहते हैं. वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेसेस है टू ईट मोमोज. और स्वाद इनका बहुत गजब. जितनी भी जगहों पे हम जाएंगे ना सारी की सारी लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और कमेंट कर दो आई लव मोमो. कोरोना काल में कहा करते थे कि बना के रखो एक दूसरे से दूरी. यस यस. अब हम खाने लगे हैं मोमोज तंदूरी. क्या बात है भाई साहब. इंडियंस को ना हर चीज में सीख डालने की आदत है. उन्होंने मोमोज में भी डाली और उसको रख दिया तंदूर में. कभी तंदूरी मोमोज ट्राई करते हैं. भाजी एक प्लेट वेज तंदूरी मोमोज. भाई साहब गरम गरम तंदूर में से अपने मोमोज आ गए हुए हैं. और कसम से ना ये सिर्फ तंदूरी मोमोज नहीं है. ये मेरे 2 दिन का खाना है. इनको ना मुझे सबसे बेस्ट चीज लगती है इनको जो साइज है ना. मतलब मोमोज का साइज बड़ा है. और इसमें कितने पीस है. 8 पीस मोमोज के वो भी फुल साइज के. 2 बंदों का पेट आराम से भर सकता है. मैं आपको बता रहा हूँ ये मोमोज अगर आपने खा लिया ना दीवाने हो जाओगे. मतलब मेरे को ये पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. फीलिंग पूरी भरी हुई है पूरी की पूरी. चटनी में लगाओ और खा जाओ.
शायरी याद आ गई। बोलो ठोको। बुरा मत मानना मेरी शायरी का, क्योंकि मैं थोड़ी छोटी। रहने दो, रहने दे। अगर इसने बोल दिया बुरा मत मानने, तो हम लोग घटिया ही हो गई शायरी। नहीं, मैं एक मैसेज देना चाह रही हूं। बोलो बोलो। तुमने सोचने दो। ये ना मोमो, अगर मैंने तेरे मुंह पे मार दिया तेरे चोट लग जाएगी मुंह पे। गीला कूड़ा होता है वो जिसकी बनती है खाद। ये मोमोज मुझे लगते हैं बहुत ही ज्यादा स्वाद। बंद कर रहा है, तेरे मुंह पे मारूंगा पान। अभी तक हमने जितने भी मोमोज खाए ना, वो थे लार्ज साइज के। yes. और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं डबल एक्सल साइज के मोमो। भाई साहा। तो जी, फ्राइड क्रीमी मोमोज हमने ले लिए हुए हैं और इसका नाम इन्होंने रखा हुआ नवाबी मोमोज। और ये नाम मुझे इतना बढ़िया लगा ना, बस उम्मीद ये कि स्वाद में भी ये नवाबी निकले तो मजा आ जाए। यार उनका वैसे सच्ची बताऊं, देख के मुझे ऐसी फील आ रही है मैं टिक्की खाने लगी हूँ। दही कहाँ है? ओहो, एक बार तोड़ के दिखाया स्टफिंग। ऐसे मोमोज के साथ ना चटनी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चटनी ऊपर ही डोल देते हैं उसके। ये बहुत डिफरेंट मोमोज होने वाले, क्योंकि इसकी अंदर की स्टफिंग ना मुझे थोड़ी अलग सी है ना, पिज्जा टाइप लग रही है। भाई साहब, मुक्ति ने तो अपने पूरे हाथ लबेड़ लिए हुए। ये लबेड़ू मोमो, मैं अपने हाथ नहीं लबेड़ना चाहता, मुझे भी एक बाइट दे दे। ओ भाई साहब, कैसे हाथ हो गए मुक्ति के। काफी क्रीमी है, काफी चीजी है, क्योंकि अंदर भी इसकी चीज है। बट सच्ची बताऊं, मुझे ना आपके मोमोज वाली फील नहीं आ रही। 5 नंबर दूंगी, लाइक मैं इसको बेस्ट नहीं कंसीडर करूंगी, बट एक यूनिक चीज है। अगर किसी को ट्राई करने का मन करे तो वो कर सकता है। अब जरा इसको खत्म करके अगली जगह पे चलते हैं। तो जी, अगली जो वैरायटी है अपने अमेजिंग से मोमोज की, वो है जी फ्राइड कुरकुरे मोमोज। साहब चेक आउट करो, मेरे ना वन ऑफ द फेवरेट मोमोज है कुरकुरे फ्राइड मोमोज, सच्ची बता रहा हूँ। बट एक प्रॉब्लम होती है इनके साथ, फ्राइड होते हैं ना तो थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ। बात तो सही है। ये मोमोज की ना जो वो क्या कहते हैं, इजाद कैसे हो, इसका ओरिजिन कैसे हो, मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी कहानी है, एक हरियाणवी ताऊ मोमोज की दुकान पे गया। अच्छा, वो कहते हैं मेरे को पकौड़े खिलाओ। तो लड़का बोलता है, बाबूजी हमारे पास पकौड़े तो है नहीं। वो अरे मुझे पकौड़े खाने जैसे दिलाओ। फिर उसने लगाया दिमाग। अच्छा, उसने मोमोज के बना दिए कुरकुरे मोमोज। जो भी दिमाग लगाया ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिमाग लगा। चीज ना मजेदार है ये। ओए, 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या क्रंच है। को ऐसे खाने में मजा नहीं आएगा, एक बार इसकी चटनी ले आते हैं, फिर चटनी के साथ खाते हैं। ये जो मोमोज है ना, हमने कराया डिमसम बॉक्स। और भाई साहब, जो चटनी है ना, एंड गस बात वाली चटनी है। इनकी चटनियां है बिल्कुल, मतलब वो होममेड वाली फील है। ये कुरकुरे मोमोज पूरे चंडीगढ़ में मुझे तो यहीं के बेस्ट लगते हैं। देखो, ये चटनी म्यूनीज के साथ, खुद बनाई हुई म्यूनीज के साथ, और ये दोनों को मिक्स करके भाई साहब, जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये एडिक्शन है। बहुत गंदे वाली लगता है, बहुत गंदे वाली। और ये ऐसी लगता है ना कि ये लात भिजवाएगी मेरे घर जाके, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाऊंगा इसके साथ। ये मस्ट ट्राई वाली चीज है। और हमने यहाँ से एक और वैरायटी के मोमोज कराए हैं। पहले इसको खाते हैं, फिर आपको वो भी दिखाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते मुक्ति कभी भूल जाती है डालना गियर। चलाते चलाते मुक्ति भूल जाती है डाला गियर। अगले मोमोज हमारे क्लिस्टर क्लियर। ओ भाई साहब, देखो हम अभी देसी मोमोज खा रहे थे, कुरकुरे खा रहे थे, अब हम आगे सीधा फाइन डाइनिंग। ये देखे तो फाइन डाइनिंग याद आता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले मोमोज बनाने के लिए ना कोई स्पेशल तरह का शेफ लगता होगा, क्योंकि नॉर्मल बंदे के काम तो है नहीं है। ट्रांसपेरेंट लेयर है और अंदर वेजीज दिख रही है। नाइस नाइस। तो अब बारी आ चुकी है इन हेल्दी हेल्दी मोमोज को खाने की। और इसके साथ ना थाई स्वीट चिली मिलती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्वाद है। नाइस। इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, 170 रुपीज के 6 पीस है, जो मुझे लगता है बिल्कुल वर्थ इट है, बहुत जेन्युइन है। मतलब अगर आपने हेल्दी वाले खाने हैं तो यू कैन हैव दिस। मुझे कुरकुरे वाले से ज्यादा स्वाद ये लग रहे हैं, क्योंकि इसकी चटनी बिल्कुल अलग है। चटनी बहुत वो अलग से ही स्वाद दे रही है। और आदित्य, तूने एक चीज नोटिस किया कि इस टाइप के मोमोज ना आपको कभी भी टेक अवे के लिए मिलेंगे? सही बात है, ये एक्सपीरियंस आपको ज्यादा फाइन डाइनिंग में मिलेगा, और टेक अवे भी मिल रहा है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। और क्या चाहिए। वैसे तो हमें जो मोमोज खाने का मजा आता है ना, वो आता है रेडी से ही। पर अगर आपकी बीवी बोले कि मुझे तो कहीं अच्छी सी जगह बैठ के स्वाद से मोमोज खाने हैं, तो बड़ी शंका हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अच्छे मोमोज मिलते हो। फाइन डाइनिंग में हमारी वन ऑफ द फेवरेट जगह है अजा। यहाँ पे बैठते हैं, मोमोज मंगाते हैं, खाते हैं, और आपको दिखाते हैं कितनी वैरायटी के मोमोज मिलते हैं यहाँ पे। बताऊं ऐश्वर्या के वन ऑफ द फेवरेट मोमोज यहीं के हैं। We'll be right back.
मोमोज आ गए हैं रंग बिरंगे। सिर्फ वेट नहीं हो रही, जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं किस रंग के है ये मोमो। मजा ही आ गया जिंदगी। ये हरे वाले तो देख के ऐसे लग रहे हैं पान के पत्ते में बनाए हुए हैं। और ये वैसे रंग कौन सा बताना जिनका? ये है चारकोल ब्लैक। क्या बात है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। इसके अंदर फीलिंग देख, हरे रंग की किस रंग की है? वही हरे रंग की है यार, नहीं नॉर्मल है, पर वो हरे की वजह से ज्यादा हरी लग रही है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैंने यहाँ के मोमोज बहुत बार खाए हैं बट सिर्फ तंदूरी वाले, और कोई फ्लेवर करने कभी ट्राई नहीं किया, तो आज वो ट्राई हो जाएंगे। बहुत स्पाइसी है, पूरी स्पाइसी है सच में। सौदा किया हुआ है रेडी वाले के साथ कि चटनी दे जाया कर, मोमोज आप बता लेंगे। इतने से रुका नहीं जा रहा, दूसरा पीस उठा लिया इसने मोमोज का, और भी खाने हैं। कोई नहीं, खा लूंगा मैं, सारे खा लूंगा। तो जी ये जो अपने मोमोज है ना, इनका कलर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाले मोमोज लग रहे हैं ये, पर यार सच्ची में अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। जरा इसको चटनी में डुबाते हैं, सिर्फ लाल में नहीं डुबाएंगे क्योंकि तीखी बहुत है, बहुत ज्यादा तीखी है। ये मेयोनीज टाइप चटनी है। कैसा लगा? ये उससे भी ज्यादा अच्छा, एक बार तोड़ के लगा। ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीज है भाई, इस मोमोज का नाम होना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट मोमोज। इसमें अंदर पनीर की फीलिंग है क्या? और बड़ा जूसी है यार, मजा आ जाता है। मतलब जब आप बाइट लेते हो ना, फ्लेवर्स अंदर बर्स्ट करते हैं। अब मेरे फेवरेट वाले तंदूरी, इसके फेवरेट नहीं, इसकी बीवी के फेवरेट। देखो उसके फेवरेट मेरे फेवरेट, ठीक है ना? वो शादी के बाद हम दोनों के फेवरेट सेम हो गए थे। इसकी जो बेस्ट बात मुझे लगती है वो है बाहर से क्रंची, अंदर से जूसी। हाय हाय भाई, ऐसा लग रहा है पानी का इंजेक्शन लगा है इसको। सच्ची में सारे मोमोज ना खा लियो, मैंने भी खाने हैं। रुको रुको, इसको नीचे कर लेता हूँ, बहुत जूस गिरेगा। दूसरी हो गया, लबेड़ा हो गया। मैं तो मैं भी वेट कर रहा हूँ ट्राई करने के लिए। भाई चटनी में डुबो लेते हैं पहले, रेड व्हाइट। आया मजा आया अल्टीमेट। और ये मोमोज की जो कॉस्ट है वो है 500 रुपए पर प्लेट, 5 पीस साइज में, मतलब 100 रुपए का एक मोमोज है। बट वंस इन अ व्हाइल ना कुछ स्पेशल करना है उस टाइम पे अच्छा है। अभी तक हमने जितने भी मोमोज खाए ना वो थे जी स्टार्टर्स, पर तो अब जो हम मोमोज खाने वाले हैं वो होने वाले हैं अपने आप में एक मील। ये जो चीज हमने ऑर्डर करी है इसको बोलते हैं जी मोमो थोकपा। और दो चीज जो आपको इस बोर्ड में भरपूर मिलेगी, पहली चीज स्वाद, दूसरी चीज मैदा। अंदर इसके चूमिन सब्जियां और सूप। भाई यार जिस किसी ने भी नाम रखा है ना, पंजाबियों को बोलने में बड़ा मजा आता है थोकपा। चीयर्स। मैं तो कह रही एक चीज की तो श्योरिटी है कि यहाँ पर अगर किसी ने ये खा लिया ना बोल, उसका जुकाम ठीक हो जाता है सच में। एक तो गर्मा गर्म मिलता है, स्पाइसी। और ये जो पोर्शन साइज है ना, ये हाफ करवाया हमने, जिसकी कॉस्ट है 90 रुपए, और मेरे ख्याल से 90 रुपए में आपका पेट भर जाएगा। 90 रुपए में दो जनों का पेट भर जाएगा, काफी ज्यादा क्वांटिटी है। अगले मोमोज लेने से पहले मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ, करिए पेश। ओंकार भाई समझाओ अपनी बीवी को, तेरी बहन है वो, समझाओ अपनी बीवी को करती है बहुत ज्यादा किराए। सही बात है, एक सगा भाई अपनी बहन को समझ सकता है। अगले मोमोज है ग्रेवी वाले, पर वो ग्रेवी है थाए। आए आए आए, जल्दी से ऑर्डर देते हैं और देखते थाए ग्रेवी में मोमोज हमारे कैसे दिखते हैं। तो जी थाई ग्रेवी वाले मोमो हमने ले लिए हुए हैं। इसकी प्राइस मैं पहले बताना चाहूंगा आपको, 310 रुपए दिए हमने, इसमें 6 पीस मोमो है। बहुत ज्यादा गर्म है यार, बहुत ज्यादा गर्म, मुझे बहुत ज्यादा महंगे लग रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों को अच्छे लगेंगे जिनको थाई ग्रेवी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जिनको कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लगता है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। पर्सनली मुझे थाई ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, बट यूजली थाई ग्रेवी के साथ आप रेड राइस वगैरह खाते हो। ये 310 रुपए में चावल तो देने चाहिए थे यार साथ में, अब मोमोज दे दिया ना उन्होंने साथ में चावलों की जगह। एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता भाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो। जीजे को खिला दे पहले। साला बदतमीज है मेरा, बहुत बदतमीज साला है। नाइस बदतमीज साला, ले लो। नहीं मैं खुद ले लूंगा, ले लो। देखो चीज तो सच्ची बताऊं टेस्ट बहुत अच्छा है, मोमोज की फीलिंग बहुत अच्छी है। मजा बहुत गर्म है। हाँ टेस्टी है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो थाई ग्रेवी से तो ये आप ले सकते हो, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे है बट थाई ग्रेवी वालों के लिए सही है। ये मुक्ति को खिला दियो, मैं हैप्पीली मैरिड से अनहैप्पी हो जाऊंगा अगर उसने नहीं खाया, उसको बहुत पसंद है ये।
तो करा देंगे आपकी बस। आए होए। और ये मोमोज आपको मिलेंगे इन चंडीगढ़ सेक्टर 10। मतलब क्या ही शायरी और क्या ही डिस्क्रिप्शन दिया लोकेशन का। तो जी हम आए हैं स्ट्रीट स्टाइल पे खाने हेल्दी वाले मोमोज, जो अंकल आंटी बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, स्पेशली इनकी चटनियाँ। तो जल्दी ऑर्डर देते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो। तो जी आंटी मोमोज को कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट पक्का। दिखाई शक्ल तो दिखा दो, रूबरू करा दो। यहाँ पे आपको 120 रुपए में मिल जाता है 10 पीस मोमोज के, और साथ में मिलती है 3 प्रकार की चटनी। आपने व्हाइट वाली चटनी के साथ मोमोज खाएंगे, लाल वाली के साथ, बट हरी के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही कम लोगों ने खाए होंगे। अच्छे लगते हैं, सच में अच्छे लगते हैं। टाइम आ चुका है इसको चखने का। सबसे पहले थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करके दिखा दे, फीलिंग भी। तो इस प्रकार के दिखते हैं हमारे ये आटा मोमोज। जरा चटनी में डुबो दे। देखो बेस्ट चीज जो है ना, ये लाल वाली जो चटनी है, ये साधारण चटनी नहीं है, साल्सा है ये। साधारण चटनी साधारण ही है वो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आज इस वीडियो में आपको जितने भी प्रकार के मोमोज दिखा रहे हैं सब बहुत ही ज्यादा अलग अलग है, सबका एक अलग ही एक्सपीरियंस है और सब बढ़िया है। इसमें से आप ये नहीं बोल सकते कि वो बेस्ट है या कौन सा कम है, सारी बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ये जो अंकल आंटी की रेडी है ये 7 या 6 बजे के बाद ही दिखाई देगी, उससे पहले शायद आपको ना दिखाई। तो आप 7 बजे के बाद ही यहाँ पे आना, 3-4 घंटे के लिए अंकल आंटी होते हैं और फिर आप ये एक्सपीरियंस ले सकते हो। बस मैं तो अगले 24 घंटे के लिए मोमो के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे वाला। अरे ऐसे ना करो, 24 घंटे मोमो जो है ना वो एक इमोशन है भाई, प्यार है मोमो, बहुत बड़ी चीज होती है, 24 घंटे नहीं सोच रहे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो पे कमेंट जरूर करना और बताना कि हम ऐसी और वीडियो बनाए या नहीं, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट और अपनी फेवरेट डिशेज आपको दिखाएंगे। कमेंट कर देना अगली कौन सी डिश है जो आप जानना चाहोगे की हमारी फेवरेट, उसमें पूरी वैरायटी आपको दिखा देंगे। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो रिपीट आज पूरे कर देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुक्ति गौतम को। बुढ़ी भी बदतमीज लड़की। बाय बाय।